मुंबईच्या नागरिकांवर शिवसेना आणि भाजप तर्फे एक जोरदार अन्याय चालू आहे, अत्याचार चालू आहे। संपूर्ण देशात सर्वात महाग डीजल आणि पेट्रोल मुंबई मध्ये विकत आहे। माझा हा प्रश्न आहे की मुंबईकरांनी असा कोण अच्छा कुठल्या गुन्हा केला, कुठल्या पाप केला की भाजप आणि शिवसेनेचे जो सरकार मध्ये बसलेले लोक आहेत ते मुंबईकरांवर प्रत्येक लिटर पेट्रोल आणि प्रत्येक लिटर डीजल मध्ये जास्तीत जास्त पैसे घेत आहेत। हा वापस व परत घ्यायला पाहिजे असा आमची मागणी आहे। आणि दुसरी मागणी असा आहे काँग्रेस पक्षातर्फे की डीजल और पेट्रोलला आपण जीएसटी मध्ये आणा। निरुपम जी, आता आरोप केला की पंजाब बँकेचा जो घोटाळा झालेला आहे, आकडेचा घोटाळा आहे, त्यामध्ये देखील मोदी जी आहे त्यांच्या घोटाळ्यात तुम्ही आरोप करताय की अगोदर देखील माहिती होता तरी देखील त्यांना अटक करण्यात आली नव्हती। देखील नीरव मोदी का जो घोटाळा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे हुआ है। 2011 में पंजाब नेशनल बैंक से उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू किया, लोन लेना शुरू किया, और लोन लेना कोई गुनाह नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। देश क्या दुनिया भर के व्यापारी बैंकों से लोन लेते हैं और बैंक भी कर्ज देते हैं व्यापारियों को। लेकिन जब कर्ज लेने के बाद जब व्यापारी घोटाला करने लगे, फ्रॉड करने लगे और पैसे न लौटाए, तब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि 2016 तक प्रधानमंत्री को और बीजेपी की सरकार को नीरव मोदी के घोटाले की जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन 2016 में पीएमओ कार्यालय में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सभी लोग किस प्रकार से बैंकों के पैसे का खेल कर रहे हैं और ये हजारों करोड़ रुपए बैंकों के डूब सकते हैं, इस प्रकार की शिकायत प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेजी गई थी। 2016 से लेकर 2018 तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जनवरी 2018 में जब प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड डावोस जाते हैं विश्व आर्थिक परिषद में शामिल होने के लिए, तो अपने साथ जो उद्योगपति लेके जाते हैं उसमें नीरव मोदी भी है। इसका मतलब नीरव मोदी से उनका रिश्ता था। इसका मतलब यह जानते हुए भी कि नीरव मोदी घोटालेबाज है, उसको उन्हें अपने साथ अपने ग्रुप में रखा। और इसका मतलब यह हुआ कि जानबूझ के अगर बैंक ने दबाव नहीं डाला होता तो नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक दूसरी बात, जब जनवरी के आखिर में केस रजिस्टर होता है नीरव मोदी के खिलाफ, उसके पहले ही नीरव मोदी को भागने दिया जाता है। 23-24 जनवरी तक आपके साथ नीरव मोदी है डावोस में, उसके बाद केस रजिस्टर होता है, आप डावोस में उसको पकड़ लेते हैं। इसका मतलब मोदी जी जो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी खा भी रहे हैं, अपने साथियों को खाने भी दे रहे हैं, और जो खा रहे हैं उनको भागने का भी मौका दे रहे हैं। इसका मतलब अब की बार नीरव मोदी सरकार।